नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई सामान्य अध्ययन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अभी हाल ही में यानी 21 जून को घटित हुई घटना सूर्य ग्रहण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि सूर्य ग्रहण ये घटना जो खगोली घटना ये होती क्यों है और फिर इसके मुख्य जो कारण है उसमें क्या क्या आते हैं और फिर इससे रिलेटेड जो फैक्ट है उनको भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है। दोस्तों, आपको ये बात पहले तो स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारे सौर मंडल में जो ऊर्जा का स्रोत है हमारी पृथ्वी के लिए या अन्य सभी ग्रहों के लिए वो सूर्य है। अब सूर्य आपको पता है कि एक स्टार है, एक तारा है। तो दोस्तों, क्योंकि सूर्य के ही प्रकाश से सभी जो ग्रह हैं उन पर प्रकाश पहुंचता है, तो सूर्य ग्रहण को अगर हम लोग सीधे तौर पर देखें तो आपको ये बात पता है कि एक ऐसी खगोलीय घटना जब सूर्य का प्रकाश ग्रह पर न पहुंचे या पृथ्वी के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो एक ऐसी खगोलीय घटना जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना पहुंचे तो उस खगोलीय घटना को हम लोग सूर्य ग्रहण का नाम देते हैं। अब दोस्तों, ये जो प्रकाश ना पहुंचने की प्रक्रिया है तो इसके पीछे रीजन आपको पता है कि क्योंकि अगर हम लोग सीधे तौर पर बात करें दोस्तों, जैसे कि एक सीधे तौर पर देखा जाए कि आकाश गंगा, ठीक है दोस्तों, मिल्की वे, यानी अगर हम लोग अपनी आकाश गंगा की बात करें, मिल्की वे की बात करें, तो आपको पता है कि जो सूर्य हमारा है वो हमारी आकाश गंगा के मध्य भुजा का हिस्सा है। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि सूर्य हमारा आकाश गंगा के किस भुजा में स्थित है, तो हमको याद रखना है मध्य भुजा में स्थित है। अब दोस्तों, क्योंकि सूर्य के चारों ओर जो सभी ग्रह हैं वो अपनी नियत कक्षा में परिक्रमा करते हैं। अच्छा, अब ग्रहों के साथ साथ जो आपको पता है कि ग्रहों की परिक्रमा वो उपग्रह करते हैं। तो दोस्तों, कुछ संदर्भ में अगर ऐसे हम लोग पृथ्वी के हिसाब से देखें तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये सूर्य हुआ, ठीक है दोस्तों, और फिर इसके संदर्भ में अगर ये पृथ्वी हुई, तो अब क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचेगा, अब अवरोध उत्पन्न होगा। अवरोध उत्पन्न होने के संदर्भ में हम लोग चंद्रमा को देख सकते हैं, यानी अगर बीच में चंद्रमा आ गया तो अब इस हिस्से के प्रकाश को ये रोक लेगा, यानी ये वाला जो पार्ट है पृथ्वी पर ये बिल्कुल छाया के रूप में यहां पर प्रदर्शित होगा। तो इस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश ना पहुंचने के कारण दोस्तों ये छाया के रूप में प्रदर्शित हुआ और इसी घटना को हम लोग सूर्य ग्रहण के रूप में जोड़ देते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण में खास बात हमको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण होता है तो हमको याद रखना है कि अमावस्या। अब दोस्तों, अगर देखा जाए यहां पर ग्रहण को तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन आपको ऐसे जनरल याद रखना है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं, ग्रहण की स्थिति को देखें तो एक कैलेंडर वर्ष में 7 ग्रहण हो सकते हैं मैक्सिमम रूप से अगर देखा जाए। अच्छा, इसमें अगर हम लोग ज्यादा संख्या में बात करें तो वो सूर्य ग्रहण ही होंगे, ठीक है दोस्तों, ज्यादा संख्या में बात करें तो वो सूर्य ग्रहण ही होंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है पृथ्वी हमारी 37.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है और सूर्य अपने अक्ष पर, क्योंकि ये भी परिक्रमा करता है मिल्की वे से, तो ये 7 डिग्री के लगभग इसका झुकाव है। तो दोस्तों, इस आंतरिक झुकाव के कारण और क्योंकि जो मोमेंटम इनका चलता रहता है, यानी जो गति इनकी चलती रहती है, तो उसको लेकर के चंद्रमा जब बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। सूर्य ग्रहण दोस्तों कई बार आप पढ़ते हैं कि आंशिक सूर्य ग्रहण, कई बार आप पढ़ते हैं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण का मतलब यह हुआ कि पूर्ण सूर्य ग्रहण उन्हीं स्थान पर होगा जहां पर पूरी तरह से प्रकाश जो होगा वो चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाएगा। तो जैसा अभी 21 जून को हम लोगों ने देखा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतर हिस्सों पर देखा गया, ठीक है, दुनिया भर के लगभग 66 जो सिटीज हैं वहां पर इसको बहुत अच्छे से देखा गया, 66 कंट्रीज में। तो दोस्तों, इसके माध्यम से हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसे बात अभी तक कर रहे हैं कैलेंडर वर्ष में 7, और मिनिमम की अगर हम लोग बात करें सूर्य ग्रहण एक वर्ष की अगर हम लोग बात करें या ग्रहण के कह लें तो 2, और इनमें हो सकता है कि दोनों ही सूर्य ग्रहण हो, यानी ग्रहण को देखा जाए तो एक कैलेंडर वर्ष में हमको अधिकतम 7 याद रखने हैं, मिनिमम 2 याद रखने हैं। अब दोस्तों, इसकी स्थिति को समझने के लिए पहली बात तो हमने आपको बता दी कि ग्रहण यानी सूर्य ग्रहण की बात करें तो है क्या, सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या को होती है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जब सूर्य का प्रकाश किसी स्थिति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है और मार्ग में अवरोधक कौन बनेगा, चंद्रमा। तो डायग्राम हमको माइंड में यह याद रखना है, यानी मून बीच में आएगा और ये हाइड कर लेगा, ठीक है, इस हिस्से को। तो इस प्रकार से हम लोग सूर्य ग्रहण को पढ़ते हैं और ये घटना कब होगी दोस्तों, अमावस्या को। अब सबसे पहले तो सूर्य से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो होते हैं
उनको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, फिर इस पर और आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर देखते हैं सूर्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को पहले, फिर उसके बाद आगे समझते हैं। दोस्तों सूर्य की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि ऊर्जा का स्रोत जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य गैसें हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा मात्रा 70% हाइड्रोजन की है, फिर 28% मात्रा हीलियम की है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको पता है, और 2% में अन्य गैसें हैं। दोस्तों सूर्य की जो आयु है अनुमानित वो लगभग 10 अरब वर्ष है। ठीक है दोस्तों, सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है? लगभग 10 अरब वर्ष, क्योंकि आपको पता है सूर्य एक तारा है और तारों की एक निश्चित आयु होती है, उस निश्चित आयु के बाद फिर वो ब्लैक होल में समाहित हो जाते हैं, ये घटना है आपको पता है। तो सूर्य की जो आयु है वो 10 अरब वर्ष है, और जो वर्तमान आयु अगर हम लोग बात करें दोस्तों लगभग आधी हो चुकी है, यानी 4.7 अरब वर्ष सूर्य की आयु पूरी हो चुकी है। तो वर्तमान आयु को अगर हम लोग देखें दोस्तों तो 4.7 अरब वर्ष। अब अगर ध्यान दिया जाए दोस्तों, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य हमारे मिल्की वे में, हमारी मंदाकिनी में मध्य भुजा का हिस्सा है, तो दोस्तों मंदाकिनी के केंद्र से अगर सूर्य की दूरी कही जाए, यानी जैसे कि अभी हमने आपको डायग्राम बताया कि जैसे ये आप सर्पिलाकार मंदाकिनी को देखते हैं तो इसमें मध्य भुजा का हिस्सा है सूर्य, तो अगर मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी को देखा जाए, यानी हमारी जो आकाश गंगा है उसके केंद्र से सूर्य की दूरी को अगर देखा जाए दोस्तों, तो वो 32,000 प्रकाश वर्ष है। कितना है दोस्तों? 32,000 प्रकाश वर्ष है। और अभी अभी हमने आपको बताया कि ये मंदाकिनी के केंद्र की परिक्रमा भी करता है सूर्य, तो दोस्तों मंदाकिनी की परिक्रमा करते हुए जो सूर्य की जो औसत जो चाल होती है वो 220 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। सूर्य की औसत चाल मंदाकिनी की परिक्रमा करते हुए कितनी होती है दोस्तों? 220 किलोमीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों ये असाधारण सा क्वेश्चन यहां पर कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, यानी आप यहां पर देख रहे हैं एग्जैक्टली ऐसे बात की जाए तो 14.96 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से। दोस्तों ये दूरी थोड़ा सा घटती बढ़ती है कैसे, जैसे अभी हमने बात की कि औसत जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, तो ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप इसको ऐसे डायग्राम के माध्यम से समझ लें, जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सूर्य है, अब आपको ये बात पता है कि पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है। तो अगर एक कंडीशन को हम लोग अर्थ को यहां पर समझे दोस्तों, और एक दूसरी कंडीशन अर्थ की हम लोग यहां पर समझें, तो आप देख सकते हैं कि एक दूरी थोड़ा सा ज्यादा दूर है और एक दूरी पास में है। तो अब इस हिसाब से अगर आप देखें दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जब गति कर रही है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, तो एक कंडीशन में दूरी कम होती है और एक कंडीशन में ज्यादा होती है। जो कम वाली जो डिस्टेंस होती है दोस्तों लगभग वो 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है, और अगर हम लोग ज्यादा दूरी वाली बात करें तो ये लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। तो दोस्तों अच्छा, इस दूरी के हिसाब से दो प्रश्न और आपके बन जाते हैं। एक पहला प्रश्न बनता है आपका दोस्तों अपसौर, और एक दूसरा प्रश्न बनता है उपसौर। अभी बात यहां पर आ गई तो इसको भी समझ लीजिए, इसमें भी आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, अपसौर और उपसौर। तो दोस्तों जब उपसौर कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, उपसौर जब कहा जाए तो आपको याद रखना है कि उपसौर सूर्य और पृथ्वी के मध्य की वह दूरी होती है जब क्या हो, पृथ्वी सूर्य के पास हो। उप का मतलब पास में, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया उप शब्द लग जाता है इससे, उप मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के बिल्कुल क्लोज वाले, तो उप से समझ जाना पास, और अप का मतलब दूर, ठीक है दोस्तों। यानी जब पृथ्वी सूर्य से ज्यादा दूर होती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? अपसौर। इसमें कंफ्यूज ना होना दोस्तों अपसौर और उपसौर में। तो दोस्तों अगर हम लोग उपसौर की बात करें यहां पर, तो आपको पता है कि ये जो घटना होती है सबसे पास वाली वो 3 जनवरी को होती है। कब? उपसौर। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बनाया जाएगा कि उपसौर होता है तो हमको याद क्या रखना है? 3 जनवरी को। यानी सूर्य और पृथ्वी सबसे पास में कब होते हैं? 3 जनवरी को। जबकि अपसौर हम लोग देखेंगे तो लगभग 4 जुलाई के आसपास से घटना होती है, 4 जुलाई। अब इसमें दोस्तों कंफ्यूजन हो, हमने आपको बताया भी है क्लास में कई बार बताया है, यहां पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार फिर से कंफ्यूजन हटा लीजिए। हमने बताया जब उपसौर बोला जाए तो उप में देखिएगा, अब इसको जरा सा इरेज करेंगे तो ये 3 दिखेगा आपको, 3 नंबर जो दिखेगा, तो उप से आप समझ जाएंगे कि ये 3 जनवरी, और उप क्या है? पास वाली स्थिति, और अब क्या है? दूर वाली स्थिति, और अपसौर 4 जुलाई को। तो उप और अप में आप कंफ्यूजन होंगे, ये क्वेश्चन एक एक नंबर पूछ ले जाते हैं। तो वैसे हमने आपको बता दिया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करेगा
तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसे देखते हैं कि नियरेस्ट वाली तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। दोस्तों सूर्य का जो व्यास है वो लगभग 13.84 लाख किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है दोस्तों? 13.84 लाख किलोमीटर है। और दोस्तों सूर्य की जो सतह है, यानी सतह में अगर हम लोग देखें, ये बाहरी सतह ये, तो प्रकाश मंडल जिसको हम लोग कहते हैं, उसका ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। लेकिन अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा गर्म है सूर्य, जिसका जो हिस्सा आंतरिक केंद्र वाला होता है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग सूर्य के 3 पार्ट है, कभी संरचना में डिटेल में हम उनको पढ़ेंगे। और इसमें एक प्रश्न और भी बना दिया जाता है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो हमको सूर्य का कौन सा भाग दिखता है? तो हमको याद रखना दोस्तों, सूर्य का जो बाहरी भाग जिसको किरीट कहा जाता है, और अभी ये चर्चा में शब्द चल रहा है कोरोना, कोरोना वायरस तो याद हो गया होगा। तो ये ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा हिस्सा दिखता है? किरीट या कोरोना हमको दिखता है। ठीक है, तो अगर केंद्र के तापमान की बात करें तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। और दोस्तों सूर्य का जो आयतन है वो पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, तो आप समझ ही सकते हैं इस बात को। और सूर्य से प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो उसमें जो समय होता है वो 8 मिनट 16 सेकंड, कई बार एग्जामिनर इसको आपको भटका देता है, राउंड ऑफ सेकंड में आंसर दे देगा, तो लगभग 500 सेकंड। वैसे आपको याद रखना है 8 मिनट 16 सेकंड, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है जैसा भी वहां पर रहे, ये डेटा बेस्ड सवाल है आपको पता है। दोस्तों सौर वर्ष, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 25 करोड़ वर्ष, सौर वर्ष होता है क्या दोस्तों? हमने आपको बताया कि सौर वर्ष का यहाँ पर सीधा सा मतलब दोस्तों, सौर वर्ष की कंडीशन को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, 25 करोड़ किलोमीटर ऐसा है कि जब सूर्य द्वारा मंदाकिनी का एक चक्कर लगा लिया जाता है, यानी सूर्य जब मंदाकिनी का एक चक्कर लगाता है तो उस ड्यूरेशन को हम लोग सौर वर्ष कहते हैं, या इसी को हम लोग इंग्लिश में कॉस्मिक ईयर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? कॉस्मिक ईयर। और वो पूरा जो चक्कर लगाने में टाइम जितना लगता है उसी को सौर वर्ष कहते हैं, और वो है कितना? 25 करोड़ वर्ष, यानी इतना कितना समय लगेगा? 25 करोड़ वर्ष मंदाकिनी का चक्कर करने में किसको? सूर्य को। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य से रिलेटेड जो बेसिक वाले जो फैक्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको यहाँ पर बताया गया, जिसमें खास करके दूरी वगैरह ये सवाल पूछ ले आते हैं, या आयु या तापमान ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको एग्जैक्टली आपको कंफर्म रखना है। और अपसौर और उपसौर जनरल बातें भी हमने आपको यहाँ बताई, जब खगोलिकी के टॉपिक को डिटेल में हम लोग समझेंगे तो और इसको जानेंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने आपको बताया, जो तरीका बताया, उसको थोड़ा सा याद रखना। अब दोस्तों एक कंडीशन हमने आपको बताई कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या को होता है, एक कैलेंडर वर्ष में जो 7 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, अधिकतम अधिकतम मिनिमम 2 हो सकते हैं, ग्रहण केवल सौर ग्रहण सूर्य ग्रहण नहीं बल्कि ग्रहण की बात करेगा तो अधिकतम 7 और न्यूनतम 2। अब इसमें 2 में हो सकता है दोनों सूर्य ग्रहण हो, ज्यादा कंडीशन ज्यादा चांसेस इसी के होते हैं, तो ये भी आपको ऐसे जनरल याद रखना है दोस्तों। बाकी अगर हम लोग यहाँ पर देखें इस हिसाब से, तो क्वेश्चन जो बनेंगे रिलेट करते हुए इस पर ही ऐसे यहाँ पर बनेंगे। अब क्योंकि सूर्य की स्थिति को देख रहे हैं तो एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, अभी 21 जून योगा डे हम लोगों ने मनाया, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन रहा, तो ये कंडीशन क्या होती है डायग्राम से जल्दी से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जल्दी से देखिएगा। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन जो रिलेट करेंगे वो पृथ्वी में स्थितियों को रिलेट करेंगे, तो जल्दी से देख लेते हैं। जैसे आप एक ऐसे समझते हैं, ये अर्थ का एक मॉडल मानिए, ग्लोब का एक मॉडल मानिए, मध्य से इसके आपको पता है विषुवत रेखा 0 डिग्री जिसको हम लोग लिखते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, ठीक है दोस्तों, कितने पर? 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्मल बात है, आप सबको पता है ये विषुवत रेखा। अब इससे प्रश्न कैसे बनते हैं वो देखिएगा आराम से बिल्कुल, अभी क्योंकि अभी हम लोग सूर्य की स्थिति की बात कर रहे हैं तो उसके लगे हाथ इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। फिर दक्षिण में ही जाएंगे इतना ही, 23.5 डिग्री, तो यहां पर हम लोग मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है दोस्तों, तो मकर रेखा। तो स्थितियों के अनुसार यहां पर प्रश्न क्या बनते हैं दोस्तों, इसे बात करें यहां पर 21 जून को, यहां पर बात करें 22 दिसंबर को, तो दोस्तों रटना नहीं इसको, प्रश्न हम आपको अलग अलग बताएंगे, 8 से 10 सवाल यहां से बनते हैं। फिर यहां पर बात करें 21 मार्च और 23 सितंबर, तो दोस्तों ये तिथियां लिखी गई हैं, ये आप अर्थ के मॉडल को समझ सकते हैं, क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी का एक मॉडल है, आप समझ सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये वो तिथियां लिखी गई हैं
जब सूर्य का प्रकाश संबंधित रेखाओं पर सीधा पड़ता है। तो आप इसको ऐसे समझिए, अभी भी जैसे 21 जून को हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि दोस्तों भारत कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तो यही कारण है दोस्तों कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है दोस्तों? सबसे बड़ा दिन कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, लेकिन कंडीशन अगर आपसे कह दी जाए 22 दिसंबर को, तो हमने बताया कि ये वो तिथियां लिखी गई हैं जब संबंधित रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़े। अब पूरे वर्ष भर आपको पता है कि सूर्य जो है सीधी जो रेखाएं हैं वो 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में मूव करती रहती हैं। तो दोस्तों 22 दिसंबर ये वो तिथि है जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा दिन होगा। तो अब अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आप समझिए। फिर दोस्तों विषुवत रेखा पर आप देख रहे हैं दो तिथियां लिखी गई हैं। दोस्तों इन तिथियों में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, हमने आपको बता दिया कि इन तिथियों को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं मंथ के अकॉर्डिंग, यहां पर 3-3 मंथ के अंतर पर देख सकते हैं आप इन सबको, तो वैसे भी याद रख सकते हैं। और 21 जून योगा डे तो आपको याद होगा ही होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। दोस्तों ये वो तिथियां जैसे आप देख रहे हैं यहां पर विषुवत रेखा पर एक तिथि ये लिखी गई है, दूसरी तिथि ये लिखी गई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि 21 मार्च और 23 सितंबर ये वो तिथियां हैं वर्ष में दो बार, 21 मार्च और 23 सितंबर, यहां पर एक बार मार्च में और एक बार सितंबर में सूर्य जब विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है। तो इस दौरान क्या होता है दोस्तों, दोनों ध्रुवों पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स यानी विषुव। विषुव का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब दोनों गोलार्धों पर दिन और रात की अवधि बराबर हो तो उस घटना को क्या कहेंगे, विषुव कहेंगे। अब वो घटनाएं कब होती हैं, एक बार मार्च में और एक बार सितंबर में, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी गति करती है, तो एक बार कंडीशन एक गोलार्ध पे मार्च में बनेगी और दूसरे गोलार्ध की तरफ 23 सितंबर को बनेगी। लेकिन क्योंकि सीधी रेखाएं कहां पर आ रही है, विषुवत रेखा पर, तो इसलिए हमको याद रखना है कि विषुव जो होगा वो दो तरह से, एक मार्च में और एक सितंबर में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि विषुव की घटना संबंधित है, तो ये तिथियां वहां पर लिखी होंगी ए बी सी डी ऐसे करके, तो हमको यहां पर ए और बी दोनों ऑप्शन करके देखने होंगे। अब दोस्तों यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरनल इसको ले जाएगा, तो ऐसे भी बना सकता है कि जैसे उसने कह दिया कि बसंत विषुव, ठीक है दोस्तों, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, तो आपको याद रखना है बसंत विषुव। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे उसने कह दिया शिशिर विषुव, या इसको कह दिया ऑटम इक्विनॉक्स, या हिंदी में अगर हम लोग इसको कहें शिशिर विषुव। तो विषुव की घटना हमको याद रखना है दो, कौन कौन सी, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर को, जिसमें 21 मार्च वाली घटना स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहलाती है। डायरेक्ट ये सवाल पूछे गए हैं सीडेंस जैसी परीक्षाओं में, लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षाओं में कि बसंत विषुव होता है, तो आंसर क्या टिक कर देना है 21 मार्च को। फिर शिशिर विषुव होता है, ऑटम इक्विनॉक्स होता है, तो 23 सितंबर को हमको ऐसे याद रखना है जनरल। अब दोस्तों क्वेश्चन यहां पर विषुव के तो आपको समझ में आ गए होंगे, दिन और रात की अवधि बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन आपके माइंड में तब होती है जब क्वेश्चन को रिवर्स पूछता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, समझिए, अभी भी आपने पढ़ा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, कहां, नॉर्थ गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, ठीक है, सबसे बड़ा दिन। अब क्योंकि जब 21 जून को उत्तरी ही गोलार्ध बोलेगा, सबसे बड़ा दिन बोलेगा, तो रात क्या हो जाएगी दोस्तों, सबसे छोटी हो जाएगी। रात क्या हो जाएगी यहां पर, सबसे छोटी हो जाएगी। कब? 21 जून को। ऐसे कंडीशन ध्यान दें, लास्ट में यहां पर चलते हैं, जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन बोलेगा तो 22 दिसंबर, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को ही बोलेगा तो हमको क्या याद रखना है, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन को बदल देगा, क्वेश्चन बोलेगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है उत्तरी गोलार्ध और पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ी रात। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात तब होगी जब यहां पर दिन क्या होगा, सबसे छोटा होगा, और वो कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध के अकॉर्डिंग हमको याद रखना है 22 दिसंबर, यानी जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा
उस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को अलग अलग रिवर्स करके पूछेगा, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। जिस गोलार्ध के लिए कहे पहले एक कंडीशन माइंड में बैठा लीजिएगा, कंफ्यूजन आपकी कभी नहीं होगी। कंडीशन आपको क्या बैठानी है, कंडीशन ये बैठानी है कि जो तिथियां लिखी गई है सबसे बड़े दिन की लिखी गई है। तो जब बड़ा दिन आपको याद रहेगा सब पर्टिकुलर गोलार्ध का, तो फिर छोटा दिन या फिर छोटी रात अलग अलग बदलेगा तो वो भी आपको याद आ जाएगा। विश्व की घटना हमने आपको बता ही दिया, दिन और रात की अवधि बराबर होगी और वो अलग अलग पूछेगा। तो बसंत और शिशिर विषुव अलग अलग हमको याद रखना है 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो दोस्तों यहाँ पर अभी सूर्य ग्रहण के साथ साथ सूर्य के इंपोर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने पढ़ लिए, थोड़ा सा यहाँ पर स्थितियों के सवाल देख लिए, तो ये जनरल क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा याद रखने हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं, आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि कितनी हो सकती है, यानी कितने समय तक पूर्ण सूर्य ग्रहण हो सकता है, ये आप जरूर बताइएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि कितने समय तक हो सकती है, ये आंसर आप वीडियो के कमेंट में जाकर के जरूर दीजिएगा, फिर वहां से देखते हैं कि आपकी कितनी बातें यहां से लगभग क्लियर है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।